I hope you having a good day today. Today we will learn some trees. मैं जिस तरह से बेसिक शेप ट्रीज के लिए डाल रही हूँ उस तरह से बेसिक शेप आप के लिए डाल लेना। नेचर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ट्री होते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट शेप को कंपोज करके हम लोग अलग अलग ट्रीज बना सकते हैं। फिर हमें उन्हीं बेसिक शेप के ऊपर लीफ के फॉर्म्स ड्रॉ करने हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम लोग सभी बेसिक शेप पर लीफ के फॉर्म्स डालेंगे। लीफ का पैटर्न भी मैंने कुछ अलग तरीके से और एक बताया है। आपको उसी स्ट्रक्चर के ऊपर से ये सब करना है। डायरेक्टली स्केच पेन से कर रहे हैं, अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप पेंसिल से पहले करके ले सकते हैं। अब हम लोग कलरिंग करेंगे, तो ये जो बड़ा सा ट्री है ये जिगलिंग के मेथड में मैं दिखा रही हूँ आपको। इसमें दो कलर का शेडिंग भी करके दिखाया है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन, थोड़ा सा दोनों कलर को ओवरलैप करना है। ओवरलैप करते करते नीचे की तरफ हमें और डार्क ग्रीन चाहिए, ब्लू ऐड करेंगे तो और ज़्यादा डार्क का इफेक्ट आएगा। अब ये दूसरा ट्री जो है थोड़ा सा अलग मेथड से हम लोग नॉर्मली जैसे कलर करते हैं प्लेन उसी तरीके से सिखाया है। उसमें भी हमें मिक्सिंग करना है, ब्लू इसलिए कि वहाँ पे ज़्यादा डार्क होगा। ये क्लॉथ का जो टेक्निक मैं दिखा रही हूँ वो आप किसी भी ट्री में भी, मतलब पहले वाले ट्री में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो जिगलिंग का टेक्सचर है वो अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ा है। लेकिन आप कभी भी मिक्सिंग के लिए ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है और जो एक्स्ट्रा का कलर है वो भी निकल जाता है और पेपर आपका क्लीन रहता है। आपने देखा होगा कि क्रेयॉन के कलरिंग के बाद थोड़े दिन के बाद हम लोग जब देखते हैं तो बाकी का जो वाइट पोर्शन है वो भी ख़राब हो चुका होता है, तो उससे बचने के लिए ये क्लॉथ का टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्रेयॉन के ऊपर से। यहाँ पे कुछ और एक कलरिंग का पैटर्न मैं सिखा रही हूँ आपको कलर करना है। यहाँ पे मैंने येलो का वॉश दे के फिर उसका टेक्सचर किया हुआ है। डार्क ग्रीन लेके और डार्क ग्रीन, इसमें लाइट येलो कलर का लुक नहीं दिखाया है, एक अलग कलर स्कीम होगा। यहाँ पे एक एक बूश के लिए, एक एक बंच के लिए तीन तीन पैटर्न दिखाए हैं, तो हर एक पैटर्न में लाइट मीडियम डार्क ऐसे कलरिंग मैं कर रही हूँ, इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसको भी मैंने जिगलिंग में किया है। यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन के ऊपर से लाइट ग्रीन ओवरलैप किया हुआ है, उसका और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। फ्रंट के लिए हम लोग नॉर्मली ब्राउन यूज़ करते हैं, डार्क ब्राउन येलो ऑकर,
लेकिन पुराने वाले ट्रीज है वो ग्रे शेड भी देते हैं, तो उनके लिए आप ट्रंक में ग्रे कलर, ब्राउन कलर, लाइटली ब्लैक कलर, इस तरह से शेड्स, ये लॉकर, इस तरह के शेड्स आप इसमें मिक्सिंग में दे सकते हैं। तो लग रहे हैं ना अपने ट्रीज बहुत खूबसूरत। I hope you learned something new. Like if your time was worth, subscribe for more. Signing out for now. Bye-bye.